आज हम लोग बनाते हैं मसाला आलू पूरी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। के लिए हम लेंगे बॉयल्ड आलू। तो ये चार जो है उबले हुए आलू लिए हैं और ये थोड़े ठंडे आलू हैं, गर्म आलू नहीं लेने हैं, थोड़े ठंडे आलू लीजिएगा। और अब हम इसको कर लेंगे ग्रेट। आप किसी भी जो है ग्रेटर से इसको इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिए आलू को। इसको करने से ये फ़ायदा होता है कि जो है आलू में जो गांठें पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी। इस तरीके से आप सारे आलू को ग्रेट कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। इसमें डालते हैं मसाले। तो पहले मैंने आधी चम्मच से थोड़ा सा कम जो है हल्दी पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक आधी चम्मच से ज़्यादा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ही जो है वेजिटेबल ऑयल। अब इन सब चीज़ों को डाल के आप अच्छे से पहले हाथों से खूब बढ़िया से इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि जो आलू है वो इसमें अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से आप सारे आटे में आलू को अच्छे से मिला लीजिए। इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूड़ी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमको इसका डो तैयार करना है। तो जितना अच्छा हमारा डो तैयार होगा उतनी ही हमारी पूड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी लगा है, लेकिन ये धीरे धीरे ही डालिएगा। तैयार हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। और इसको जो है ये देखिए, अब हम फिर से स्टू को थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जो है पूड़ी वाला डो तैयार हो गया है। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं। लोई एकदम रेडी है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको बेलते हैं। तो हम जिस चकले में बेलेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए और इसको हम जैसे पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए ये पूड़ी इस तरीके से तैयार हो गई है। कढ़ाई पे हमने ऑयल डाल के गरम कर लिया है। तो हम चेक कर लेते हैं, गैस का फ्लेम हमने मीडियम हाई कर रखा है। तो चलिए अब हम पूड़ी डालते हैं इसमें। तो जैसे हम पूड़ी सेकते हैं उसी तरीके से आपको इसको सेकना है। ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करके सेकिए। बहुत बढ़िया लगती है और बहुत सॉफ्ट बनती है ये पूड़ी। बहुत अच्छी फुली फुली ये पूड़ी तैयार हो जाती है। ये देखिए जो है, चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया फूल गई ना। ये बहुत बढ़िया लगती है खाने में, बहुत अच्छी जो है ये पूड़ी होती है। आप इसको जो है बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, कभी सफ़र पे जाएं तो आप इसको ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है मसाला पूड़ी। इसी तरीके से हम सारी पूरी बना लेंगे। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है मसाला पूरी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।